press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Prabhu? Prabhu, aap aaye hain? Sita Mata ki! आयुष्मान खुराना और अनु कपूर की दमदार एक्टिंग वाली हिंदी फीचर फिल्म ड्रीम गर्ल सुपरहिट हो गई। ड्रीम गर्ल फिल्म से बॉलीवुड को मिला एक नया सुपर स्टोरी डायरेक्टर राज। राज कॉमेडी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा शो की पटकथा लिखने वाले राज मूल रूप से झांसी के निवासी हैं और राज फिल्म वेलकम बैक रिटर्न, फिक्री अली, भूमि सहित ड्रीम गर्ल का लेखन किया है। एकता कपूर की ड्रीम गर्ल से अब वो डायरेक्टर भी बन गए हैं। आयुषी फिल्म के बैनर तले प्रोड्यूसर मंजू वर्मा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ए विजनरी मुकेश गंभीर ने प्रीमियर से ही दर्शकों के दिल में छाप छोड़ दी। 11 सितंबर को मॉडर्न डीपीएस फरीदाबाद में पोस्टर रिलीज किया गया और इसका प्रीमियर डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद में 8 अक्टूबर को हुआ। ऑडियंस और मीडिया को फिल्म भा गई। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का डायरेक्शन देश के जाने माने राइटर डॉक्टर सुधीर सागर ने किया। स्वयं मुकेश गंभीर ने फिल्म मेकर और डायरेक्टर के बारे में कहा, बंडल ऑफ थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट टू दिस क्रिएटिव टीम। आई एम रियली इंडेटेड बिकॉज दे हैव क्रिएटेड सच ए डॉक्यूमेंट दैट आई माईसेल्फ विल हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म। एसोसिएटेड मोशन पिक्चर्स और SSI एंटरटेनमेंट की दूसरी फिल्म सीजन ग्रीटिंग्स चर्चाओं में है। इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर रितुपर्ण घोष को ट्रिब्यूट किया गया है। प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर शरेंद्र कुमार के कदम दिन प्रतिदिन सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म केक वेक ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। सीजन ग्रीटिंग की लॉन्चिंग पर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कहा, birth anniversary of Rituparno Ghosh, one of Bengal's most prolific filmmakers. I had the great pleasure and honor of working with him in a film that he made with me called The Last Lear. It is a film in the English language, which is slightly different from what Ritu has been making. Abhishek worked with him in Antarmahal, Jaya in Sunglass, and Aishwarya worked with him in two films, Chokir Bali and Raincoat. Ritu had a very novel understanding of cinema, its craft, its writing, and its presentation. And his thought process was so clear and so vivid in the way he not only made his films, but chose the subjects that he wishes to make. Okay, billo naachegi,